बिकॉज ऑल अलोंग इफ यू रीड हिस्ट्री, हिस्ट्री में ऐसा ही दिखाई देगा कि मुगल हैज कंकर्ड ओवर द किंग्स ऑफ इंडिया, बट साउथ और नॉर्थ ईस्ट ऐसे जगह रहा कि भारत को लोग बोला भारत को मुगल ने जीता, बट इफ नॉर्थ ईस्ट इज इंक्लूड इन इंडिया और साउथर्न स्टेट आर पार्ट ऑफ इंडिया, तो भारत को तो जीता नहीं है। लेकिन हिस्टोरियन से गलती से यही बात इतना दिन लिखते रहा कि वी वर अ डिफीटेड पीपल, ये संदेह जाएगा कि भारत मुगल ने भारत को कभी नहीं जीता, दे मस्ट हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया। सो ये बिग मैसेज वी वांट टू सेंड अक्रॉस, ये हिस्टोरियन लोगों ने हमारा ऊपर एक एक जैसा एक बना दिया कि औरंगजेब देश का सबसे बड़ा राजा था, he dominated everything, he was the greatest of everything, but agar wo itna mahan tha to uttar ko kyun wo nahi jeeta, why he has not owned the entire southern part? So our historian has projected us as a defeated race, ki humne hara tha, but actually hum nahi hara tha, we lost the part of India. So if northeast and south India is a part of India, देन हिस्ट्री हम लोग को दोबारा लिखने का जरूरत है कि मुगल का हुकूमत कभी भारत में नहीं चला था, भारत का एक पार्ट में चला था।